सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू राउंड टू फ्लिक्स। दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे रिसेंटली रिलीज और हिंदी डब हुई 10 सबसे धमाकेदार मूवीज को। इस लिस्ट के अंदर आपको कमाल की एक्शन, कमाल की हॉरर मिस्ट्री मूवीज देखने को मिलेगी और भी बहुत कुछ आप इस लिस्ट की मूवीज से एक्सपेक्ट कर सकते हो। सो बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। हमारे नंबर 10 की मूवी है द यूनियन, जो गई है 2024 में एक एक्शन कॉमेडी थ्रिलर मूवी है। इस मूवी के अंदर कहानी देखने को मिलती है माइक नाम के कंस्ट्रक्शन वर्कर की, जिसकी लाइफ हंसी खुशी एकदम नॉर्मल चल रही होती है और इसी बीच इसकी लाइफ में एंट्री होती है इसकी एक एक्स गर्लफ्रेंड की, जो कि इसको अपने साथ एक सीक्रेट मिशन पे ले जाती है। आखिर वो सीक्रेट मिशन क्या है और एक कंस्ट्रक्शन वर्कर इस मिशन को अंजाम भी दे पाएगा नहीं, वो सब कुछ आप इस मूवी के अंदर देखिए। ये तो गया आज। मूवी हिंदी लैंग्वेज में नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है। मूवी को रेटिंग 5.5 आउट ऑफ 10 IMDb पर। हमारी नेक्स्ट मूवी है जैकपॉट। ये मूवी भी आई है 2024 में एक एक्शन कॉमेडी मूवी है। इस मूवी के अंदर कहानी देखने को मिलती है केटी नाम की एक लड़की की, जिसकी एक दिन अचानक से एक बहुत ही बड़ी लॉटरी लग जाती है, पर लॉटरी लगने के बाद इसकी किस्मत बदलती नहीं बल्कि इसकी लाइफ के पूरी तरीके से एल लग जाते हैं। बहुत सारे लोग केटी को जान से मार के उस लॉटरी को किसी भी हाल में पाना चाहते हैं और केटी किस तरह उन लोगों से अपनी जान बचाती है और एंड दी एंड ये लॉटरी किसके हाथ लगेगी, वो सब कुछ आप इस मूवी के अंदर देखिए। मूवी हिंदी लैंग्वेज में प्राइम वीडियो पर अवेलेबल है। मूवी को रेटिंग 5.8 आउट ऑफ 10 IMDb पर। हमारे नंबर 8 की मूवी है ट्रोल फैक्ट्री। ये मूवी है ये साल 2024 में क्राइम ड्रामा मूवी है। इस मूवी के अंदर कहानी देखने को मिलती है एक जर्नलिस्ट की, जो कि एक आर्टिकल लिखता है जिसमें एक टेक्नोलॉजी को चुराने के बारे में बताता है, पर इसका ये आर्टिकल सोशल मीडिया पे पूरी तरीके से गलत दिखाया जाता है। मतलब किसकी न्यूज तो सही होती है, लेकिन सोशल मीडिया पे कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि इसकी न्यूज को किसी भी हाल में फेक साबित करना चाहते हैं। आखिर वो लोग कौन है और ऐसा क्यों कर रहे हैं, वो सब कुछ आप इस मूवी के अंदर देखिए। बहुत ही कमाल की क्राइम मूवी है जिसमें आपको देखने को मिलेगा कैसे रियल न्यूज को भी फेक न्यूज बना दिया जाता है, ट्रोलिंग के जरिए कैसे लोगों के दिमाग में डाउट को डाल दिया जाता है, कैसे आम जनता के ओपिनियन को चेंज किया जाता है। और इस मूवी को भी आप हिंदी लैंग्वेज में प्राइम वीडियो पर देख सकते हो। मूवी को रेटिंग में 5.9 आउट ऑफ 10 IMDb पर। हमारी नेक्स्ट मूवी है 3000 इयर्स ऑफ लॉन्गिंग। ये मूवी आई थी साल 2022 में, एक रोमांस ड्रामा फैंटेसी मूवी है। इस मूवी के अंदर कहानी देखने को मिलती है लिथिया नाम की एक औरत की, जो कि इस्तांबुल जाती है एक ट्रिप पे और वहाँ पे इसको एक बोतल मिलती है जिसमें से निकलता है एक जिन, और जिन इसकी 3 विशेष को पूरी करेगा और बदले में जिन को मिलेगी आजादी। और आगे लिथिया किस तरह की विशेष जिन से पूरी कराती है, वो सब कुछ आप इस मूवी के अंदर देखिए। वेल मूवी का कॉन्सेप्ट सुनने में पुराना लगता है, लेकिन मूवी के अंदर आपको कुछ ऐसा अजीब देखने को मिलेगा जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी, और वो अजीब क्या है वो सब कुछ तो आप इस मूवी के अंदर ही देखिए। मूवी अब हिंदी लैंग्वेज में प्राइम वीडियो पर अवेलेबल है। मूवी को रेटिंग में 6.7 आउट ऑफ 10 IMDb पर। हमारे नंबर 6 की मूवी है ट्विस्टर्स। ये मूवी आई है 2024 में एक्शन एडवेंचर थ्रिलर मूवी है। इस मूवी के अंदर कहानी देखने को मिलती है अमेरिका की, जहाँ पे आए दिन बड़े बड़े टोर्नेडो आते रहते हैं जिसकी वजह से बहुत ही ज्यादा तबाही मचती है, काफी लोग मारे जाते हैं। और इन टोर्नेडो को रोकने के लिए, लोगों को बचाने के लिए हमारी मूवी की हीरोइन केट डिसाइड करती है किसी भी हाल में टोर्नेडो को रोकेगी, और कुछ साइंटिस्ट के साथ मिलकर टोर्नेडो को रोकने के लिए निकल जाती है। और आगे अपने इस मिशन में कामयाब होगी या नहीं, वो सब कुछ आप इस मूवी के अंदर देखिए। बहुत ही कमाल की डिजास्टर मूवी है। डेफिनेटली ये मूवी भी आपको काफी ज्यादा पसंद आएगी। मूवी हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल है। मूवी को रेटिंग 7 आउट ऑफ 10 IMDb पर। हमारी नेक्स्ट मूवी है एक्सुमा। उसमें से कुछ तो निकला था, कुछ बहुत ही बुरा। ये मूवी है ये 2024 में एक हॉरर मिस्टरी थ्रिलर मूवी है। इस मूवी के अंदर कहानी देखने को मिलती है 4 लोगों की, जो कि तंत्र मंत्र करके घोल डीमंस वगैरह को पकड़ते हैं, और इन चारों को एक बहुत ही रिच फैमिली हायर करती है एक सुपर नेचुरल केस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए। आखिर वो सुपर नेचुरल केस क्या है और उस केस को इन्वेस्टिगेट करने में इनको किन किन खतरों का सामना करना पड़ेगा, वो सब कुछ आप इस मूवी के अंदर देखिए। बहुत ही कमाल की हॉरर मिस्ट्री मूवी है, जो कि आपको शुरुआत से ही पूरी तरीके से हुक एंड बुक करके रखेगी। मूवी अब हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल है। मूवी को रेटिंग 6.9 आउट ऑफ 10 IMDb पर। हमारे नंबर 4 की मूवी है लैंड ऑफ बेड। Just wish he knew. ये मूवी आई है साल 2024 में एक एक्शन थ्रिलर मूवी है। इस मूवी के अंदर कहानी देखने को मिलती है कुछ सोल्जर्स की, जिनको एक बहुत ही खतरनाक मिशन दिया जाता है जिसमें इनको एक आइलैंड पे जाकर टेररिस्ट के चंगुल से एक बंदे को बचा के लाना है। लेकिन जब ये उस आइलैंड पे पहुंचते हैं तो इनका मिशन पूरी तरीके से फेल हो जाता है, सभी सोल्जर्स मारे जाते हैं, सिर्फ एक ही जिंदा बचता है, और ये अकेला किस तरह उस आइलैंड पे सर्वाइव करता है, अपने मिशन को अंजाम भी दे पाएगा नहीं, वो सब कुछ आप इस मूवी के अंदर देखिए। कमाल की एक्शन थ्रिलर मूवी है जिसमें आपको भर भर के गोलीबारी देखने को मिलेगी। मूवी अब हिंदी लैंग्वेज में प्राइम वीडियो पर अवेलेबल है। मूवी को रेटिंग 6.6 आउट ऑफ 10 IMDb पर। हमारे नंबर 6 की मूवी है हवाई एम मॉन्स्टर बॉय।
मूवी आई थी साल 2013 में। एक एक्शन क्राइम थ्रिलर मूवी है। इस मूवी के अंदर कहानी देखने को मिलती है हवाई नाम के एक लड़के की, जिसके बचपन में इसको कुछ क्रिमिनल्स किडनैप कर लेते हैं, इसको पालते हैं। हवाई इनके साथ एक फैमिली की तरह रहता है। हवाई को लगता है यही इसकी असली फैमिली है, पर एक दिन अचानक से हवाई को अपनी पास्ट लाइफ के बारे में पता चलता है। और पास्ट लाइफ के बारे में पता चलने के बाद हवाई इन क्रिमिनल्स के साथ क्या कुछ करता है, वो सब कुछ आप इस मूवी के अंदर देखिए। ये मूवी भी अब हिंदी लैंग्वेज में प्राइम वीडियो पर अवेलेबल। इस मूवी को रेटिंग 7.0/10 IMDb पर। तो बढ़ते हैं अपने नंबर 2 की मूवी की ओर। और हमारे नंबर 2 की मूवी है ओडीटी। ये मूवी आई है 2024 में। एक हॉरर थ्रिलर मूवी है। इस मूवी के अंदर कहानी देखने को मिलती है डार्सी नाम की एक अंधी लड़की की, जिसकी ट्विन सिस्टर का एक रात बहुत ही खौफनाक तरीके से मर्डर हो जाता है। बस मूवी के अंदर आपको ये देखना है आखिर डार्सी की सिस्टर को किसी इंसान ने मारा या किसी भूत ने। फिलहाल मूवी इंग्लिश लैंग्वेज में ही अवेलेबल है। मूवी को रेटिंग 6.8/10 IMDb पर। तो बढ़ते अपनी लास्ट मूवी की ओर। और हमारी लास्ट मूवी है एलियन रोमुलस। ये मूवी भी आई है 2024 में। एक साइफाई हॉरर थ्रिलर मूवी है। इस मूवी के अंदर कहानी देखने को मिलती है रेन नाम की एक लड़की की, जो कि अपने भाई और कुछ साथियों के साथ मिलकर एक स्पेस स्टेशन पे जाती है। और वहाँ पे इनका सामना होता है कुछ खतरनाक एलियंस से। और आगे ये लोग किस तरह एलियंस से अपनी जान बचाते हैं और ये लोग स्पेस स्टेशन पे ही क्यों गए थे, वो सब कुछ आप इस मूवी के अंदर देखिए। फिलहाल मूवी हिंदी लैंग्वेज में सिनेमा हॉल्स में ही अवेलेबल है। मूवी को रेटिंग 7.4/10 IMDb पर। सो गाइस, आई होप आपको सभी की सभी मूवीज बहुत ही ज्यादा पसंद आएगी। और ऐसी इंटरेस्टिंग मूवीज देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और न्यू मूवीज और वेब सीरीज के अपडेट के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम लिंक आपको हमारे इंस्टाग्राम के बायो में मिल जाएगा। मैं मिलता हूँ आपको अपने अगली वीडियो में। तब तक के लिए लव यू, टेक केयर, बाय बाय।